हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी। पहला पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। टाइमलाइन 1942 से 1955। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, इसमें चलाने वाले प्रोग्रामों को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। टाइमलाइन 1956 से 1963। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। इनके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। हालांकि अभी भी डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। टाइमलाइन 1964 से 1975। यहां तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने ले ली और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। इन कंप्यूटर की गति माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक की थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान होते थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। टाइमलाइन 1967 टू 1989। चिप तथा माइक्रोप्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आने लगे थे। इससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। चुंबकीय डिस्क की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी, अर्धचालक मेमोरी ने ले ली। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर का परिचय पहली बार MS-DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटरों में आने लगी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय सी भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। टाइमलाइन 1989 से अब तक। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डाटा स्टोर करने किया जाने लगा, जिससे पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, टैबलेट आदि ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ। आपका परिचय विंडोज़ के नए रूप से हुआ, विंडोज़ जिसमें विंडोज XP को भुलाया नहीं जा सकता है। विकास अभी भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए विंडोज़ कॉन्ट्रा को आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद।